नमस्कार नमस्कार एंड जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे साथियों। अगर आप HSRP मतलब कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट बुक कर रहे हैं, ऑनलाइन बुक कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैंने बताई है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपना जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है गाड़ी का, जो RC है, वो अपने पास रखिए, बहुत मदद मिलेगी उससे। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको कोई भी आपसे गलती ना हो और आसानी से आपको नंबर प्लेट आपके पते में या आपके जो डीलर हैं उन पर तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो लगातार देखते रहिए, पूरा देखिएगा वीडियो। दोस्तों सबसे पहले जाते हैं गूगल पे और गूगल पे हम डालते हैं HSRP बुकिंग पे जाते हैं। फिर बुक HSRP आपको वेबसाइट दिख रहा होगा, HSRP अप्लाई ऑनलाइन बुक माई HSRP, इस पे ऑप्शन पे हमने क्लिक किया बुक माई HSRP। दोस्तों आपके सामने आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट विथ कलर स्टिकर। तो सबसे पहले मैंने आपसे बताया था ना कि रजिस्ट्रेशन कार्ड आप अपने हाथ पे रख लीजिए ताकि आपको बहुत आसानी हो। तो हम सबसे पहले इसको अप्लाई करेंगे क्योंकि हमको नई नंबर प्लेट चाहिए। अगर आपको एक टूटी फूटी है नंबर प्लेट, जो भी रीज़न है दोस्तों, केवल स्टिकर बस चाहिए तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन पूरे हैं। तो सबसे पहले हम हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट विद कलर स्टिकर, ये है बुक करने पे, तो हमने इस पर क्लिक कर दिया दोस्तों। अब उसके बाद ये बुकिंग डिटेल्स इस टाइप का देख लीजिए, मैं वन स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको। स्टेट है, स्टेट जिस भी आप राज्य के हैं, जिस भी स्टेट के हैं आप, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मैंने सेलेक्ट कर लिया मध्य प्रदेश। अब दोस्तों उसके नीचे देख सकते हैं आप, स्टेट के नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं। दोस्तों लगातार बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं हम, है ना। ठीक है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद आपको, इसीलिए मैंने कहा था कि आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड जरूरी, क्योंकि चेचिस नंबर भी, रजिस्ट्रेशन नंबर तो आपको याद हो सकता है लेकिन चेचिस नंबर हर किसी को याद नहीं रहता है। तो चेचिस नंबर के लिए आपको RC की जरूरत पड़ेगी। इस चेचिस नंबर को आप RC से सीधे लिख लीजिए। दोस्तों आप देख रहे हैं मैंने चेचिस नंबर इसमें डाला है इस पे, तो इस तरीके से आपको चेचिस नंबर डाल देना है। और चेचिस नंबर डाल के एक दोबारा मिलान जरूर करें क्योंकि एक भी डिजिट का अगर अंतर आएगा तो पूरा का पूरा प्रोसेस आपका फेल हो जाएगा। तो दोस्तों बड़े ही सावधानी से हमको चेचिस नंबर डाल लेना है इस पे। तो मैंने अभी ये चेचिस नंबर डाल दिया है। अब आगे इंजन नंबर भी डाल देते हैं दोस्तों। रजिस्ट्रेशन कार्ड में ही इंजन नंबर भी रहता है मेरे प्यारे साथियों। जी हाँ दोस्तों, अब हम इंजन नंबर इस पे डाल देते हैं। इंजन नंबर बहुत ही सावधानी से दोस्तों, इंजन नंबर भी बहुत सावधानी से डालना हमको। आपके RC में ही दोनों नंबर हैं, चेचिस नंबर और इंजन नंबर, तो घबराइएगा नहीं, आराम से एक एक करके डालिएगा, ठीक है। अब ये कैप्चा लिखा है, मतलब कि जो डिजिट इस पे कैप्चा में दिए हैं इसी को हमको रिपीट कर देना है, ठीक है। तो अब उसके बाद ये क्लिक हियर, हमने क्लिक कर दिया और इस पे पूरा डिटेल आ गया, पूरा डिटेल आ गया वैसे भी। चलिए हमने इस पे ऑनर्स नेम डाल दिया, ईमेल आईडी है उसको हमने डाल दी, ईमेल आईडी डाल देना है दोस्तों अपना, मोबाइल नंबर डाल देना है दोस्तों, बिलिंग एड्रेस जो आपकी एड्रेस डालना है वो डाल दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाते हैं, इस पे आपको OTP आने वाला है, OTP आ गया। अभी आपको OTP 4 डिजिट का OTP आ जाएगा क्योंकि आपने मोबाइल नंबर दिया है, 8744 OTP आ गया। इसके बाद नेक्स्ट में जाते हैं दोस्तों, आगे बढ़ गए। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन आया है कि स्टेप 2 पे कि आपको होम डिलीवरी चाहिए या डीलर अपॉइंटमेंट चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इस पे लिखा हुआ है या तो होम डिलीवरी चाहिए आपको या तो डीलर अपॉइंटमेंट। तो जो आपके, चलिए हम होम डिलीवरी नहीं चाहते, हम डीलर अपॉइंटमेंट चाहते हैं कि हम डीलर के पास जाके अपना HSRP नंबर प्लेट लगवा लेंगे, ठीक है। यदि आपको होम डिलीवरी चाहिए तो ऊपर वाले को क्लिक करना है। अगर आपको किसी डीलर, जो आपके शोरूम वगैरह में जहाँ पर नंबर प्लेट जाके आप लगवा सकते हैं, तो वहाँ स्लॉट बुक करना पड़ता है। चलिए डीलर अपॉइंटमेंट में हम चलते हैं, क्लिक करते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आ गया हमारा डीलर अपॉइंटमेंट में, ये चूँकि हमने मध्य प्रदेश डाला है तो मध्य प्रदेश आ गया। उसके बाद सर्च डीलर, डीलर पे हम ऑल, ये सर्च डीलर, डीलर के सर्च करते हैं तो अपना पिन कोड नंबर डाल दीजिए दोस्तों, आपका पिन कोड नंबर आपको याद ही होगा। तो चलिए सबसे पहले हम पिन कोड नंबर डाल देते हैं।
तो उसके बाद सर्च करते हैं कि हमारे पिन कोड में कौन से अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, आपके जितना बड़ा शहर होगा उतने ज़्यादा, तो जो आपके नियरेस्ट होंगे दोस्तों वहाँ का ऑप्शन आप देख सकते हैं। इस तरीके से जो आपका नियरेस्ट होगा उस पर आप विकल्प दे सकते हैं उस डीलर के लिए, और फिर डीलर पे आएगा दोस्तों, उसको डीलर को पेमेंट करनी पड़ती है, और डीलर को पेमेंट करने के बाद जैसे ही आप पेमेंट करते हैं वैसे ही आपके पास मेल आ जाता है और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है। तो चलिए देखते हैं आगे का प्रोसेस। चलिए ये है आ गया ऑटोमोबाइल्स मान लीजिए रीवा का। तो दोस्तों ये मैंने फोर व्हीलर का किया है, तो फोर व्हीलर का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि HSRP का जो रेट है वो 755 रुपये है। अब इसको कंफर्म डीलर करना है आपको, तो आप कंफर्म कर देंगे। ओके, कंफर्म डीलर करना है तो आपने डीलर को कंफर्म कर दिया दोस्तों। देखते रहिए अब उसमें डेट पे कब स्लॉट करना है, ये 22 तारीख का दिखाई दे रहा है डेट, तो 22 तारीख के डेट को हमने मान के चलिए क्लिक कर दिया। टाइम कंफर्म करना है तो हमने टाइम कर दिया 12 से 2 के बीच में। ओके, अब इसको कंफर्म एंड प्रोसीड करना है, हमने आगे कर दिया। अपॉइंटमेंट टाइम स्लॉट बुक नहीं किया था इसलिए ये दिखा रहा है। तो सबसे पहले हम टाइम, जो जो गलतियां आप करते जाएंगे दोस्त तो आगे प्रोसेस नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट टाइम स्लॉट बुक नहीं है तो चलिए इसको भी बुक कर लेते हैं। यहाँ से ये वाला टाइम जो है दोस्तों ऐसे स्क्रीन पे हम गए, अवेलेबल जब है तो हमने उसका बुक कर दिया। अब दोस्तों चलेंगे आगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब कन्फर्म प्रोसेस करना है, बुकिंग समरी ये पूरा डिटेल दिया गया है दोस्तों, तो हमने कन्फर्म प्रोसेस पे हम चले गए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये पूरा डिटेल आया है, पूरा डिटेल आ गया, मोबाइल नंबर इस पर सेम एज प्रीवियस। तो ये हम इस पर गए और हमने मोबाइल नंबर अपलोड कर दिया ये। उसके बाद ये पूरी कैटेगरी है, पूरा समझ में आ रहा है आपको, देख रहे हो आप पूरी स्क्रीन देख सकते हैं दोस्तों, पूरी स्क्रीन अब पे ऑनलाइन है, और एग्री करके आपको पे करना है। तो हम चलते हैं पे करते हैं, देखते हैं पे करने के लिए। तो डायरेक्ट आपका ये सिस्टम है कि फ़ोन पे कर सकते हैं, सबसे ऊपर देख रहे हैं UPI फ़ोन पे, UPI गूगल पे, तो ये ऑप्शन है दोस्तों। और जैसे ही हम फ़ोन पे ऐसे ही क्लिक करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से इसका पेमेंट हो जाता है, और जैसे ही हम फ़ोन पे भी गए सीधे हमारे फ़ोन पे भी चला जाएगा, देखिएगा सीधे हमारा फ़ोन पे आएगा और उस पर हम कोड डाल के उसको फीस पे कर लेंगे। और जैसे ही फीस पे किया तो मेल आएगा वहाँ से, और उसका प्रिंट भी आप निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए ठीक है दोस्तों, फिलहाल इतना ही, और HSRP आप बुक कीजिए, और कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ बताइएगा।